दिल्ली सरकार की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी नए सत्र से सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर व सुविधाओं को बढ़ाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में अंबाला में 7 सीनियर सेकेंडरी और 40 प्राइमरी सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बनाया गया है और CBSE के साथ इनका अनुबंध किया गया है। इस बात की जानकारी अंबाला डिप्टी DEO ने सुधीर कालड़ा ने दी। सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बनाने की घोषणा के साथ ही वहां पर एडमिशन लेने वाले इच्छुक बच्चों के अभिभावक पहुंचना शुरू हो गए हैं। अब अभिभावक प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चों को हटाकर सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला दिला रहे हैं। अंबाला राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल नीलम गुप्ता ने बताया कि गांव भोनोखेड़ी में बने राजकीय स्कूल को अब राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाया गया है, जिसमें सरकार की ओर से सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वहीं इंग्लिश मीडियम के लिए स्टाफ उपलब्ध कराया जा रहा है। स्कूल में 6ठी से लेकर 8वीं कक्षा तक 35 बच्चों का सेक्शन बनाया गया है। इसी तरह 9वीं से 12वीं कक्षा तक 40 बच्चों का सेक्शन बनाया गया है। प्रिंसिपल ने जानकारी देते हुए बताया कि RT के अनुसार सरकार 1ली से लेकर 8वीं तक मुफ्त एजुकेशन उपलब्ध करवाती है, लेकिन इन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में सरकार ने कुछ फीस निर्धारित की है, जिसमें 6ठी से 8वीं तक 300 रुपए प्रति माह, 9वीं व 10वीं की 500 रुपए तथा 11वीं व 12वीं की 500 रुपए फीस निर्धारित की गई है। इसके अलावा 134A व अन्य सुविधाएं भी दी जा रही हैं। अभिभावकों को 1000 रुपए एडमिशन फीस भी देनी होगी। वहीं प्रिंसिपल ने बताया कि 11 अप्रैल तक आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद ड्रॉ के माध्यम से बच्चों के नाम घोषित किए जाएंगे। बाकी बच्चों को वेटिंग में रखा जाएगा और 1 मई के बाद दूसरा राउंड होगा और MMC की मदद से सेक्शन बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। वहीं DEO अंबाला ने कहा कि सरकार के आदेशों पर राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाए गए हैं और जहां पर क्वालिफाइड स्टाफ भी रखा जा रहा है और लगभग हर स्कूल में प्रिंसिपल आ भी चुके हैं। मायसेल्फ नीलम गुप्ता, प्रिंसिपल GM गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हमारा स्कूल जो है, जैसा कि सबको विदित है, अभी सरकार द्वारा गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बदल दिया गया है और ये CBSE से एफिलेटेड है, इंग्लिश मीडियम और CBSE से एफिलेटेड किया गया है और सरकार द्वारा इसके लिए बहुत सी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। रिपेयर के लिए ग्रांट दी गई है, जिससे स्कूल में रिपेयर हुई है, टॉयलेट्स भी बनाए गए हैं। इसके बाद जो भी हमारी डिमांड होती है सरकार से, वो सब जो है वो साथ के साथ पूरी की जा रही है। स्टाफ जो है, स्टाफ के लिए इंटरव्यू लिए जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्टाफ के लिए और क्वालिफाइड स्टाफ जो है वो भेजा जा रहा है। जहाँ वैकेंसी है वो वैकेंसी भी पूरी की जा रही है। अभी हमें जो है एक एक सेक्शन मिला है, 6 से 8 के लिए 35 बच्चों का सेक्शन है, 9वीं 10वीं के लिए 40 बच्चों का सेक्शन है, 9वीं से 12वीं तक के लिए 40 बच्चों का सेक्शन है। तो पेरेंट्स में जो है, इसके लिए पेरेंट्स को अवगत कराया गया है, अनाउंसमेंट की गई है, कन्वेंसिंग की गई है और पेरेंट्स इसके लिए बहुत जागरूक हैं। बहुत अधिक पेरेंट्स जो है वो आ रहे हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के हमारे स्कूल में डाल रहे हैं। कैसे डिसाइड करेंगे 35 किन बच्चों को रखना है? अगर बच्चे 35 से ज़्यादा आ जाते हैं तो उसके लिए 11 को हमने, मतलब 11 तक हम आवेदन लेंगे पेरेंट्स से। अगर उससे ज़्यादा आवेदन आते हैं हमारे पास तो फिर जो है वो ड्रा से निकाले जाएंगे कि किन बच्चों का एडमिशन होगा, बाकी को वेटिंग में रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि उनका एडमिशन रद्द कर देंगे, उनको वेटिंग में रखेंगे। उसके बाद सेकेंड राउंड जो है वो 1 मई से स्टार्ट होगा। SMC की सहायता से, SMC की मीटिंग से, अगर हमारे पास स्कूल में स्टाफ अवेलेबल होगा, कमरे अवेलेबल होंगे, तो सेकेंड सेक्शन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। तो उसके लिए परमिशन वगैरह की जरूरत पड़ेगी या अपनी मर्जी से बना पाएंगे? परमिशन तो जरूर लेंगे डिपार्टमेंट से, बट डिपार्टमेंट की तरफ से ये परमिशन ऑलरेडी गिवन है कि आप ऐसा कर सकते हैं SMC की सहायता से। पर स्टाफ के लिए तो लेनी पड़ेगी परमिशन, की स्टाफ अगर नहीं है तो फिर वो डिमांड करनी पड़ेगी कि इतना स्टाफ आ जाएगा तो परमिशन हो जाएगा। टोटल फ्री एजुकेशन नहीं है, सरकार ने इसके लिए 6ठी से 8वीं तक 300 रुपये पर मंथ फीस है, 9वीं 10वीं की 400 रुपये पर मंथ है और 11th और 12th की 500 रुपये पर मंथ फीस है। बट इस फीस के साथ साथ रिजर्वेशंस भी दी हुई हैं, 134A की और SC BC की। मैम, इसके अलावा एडमिशन फीस क्या रहेगी? एडमिशन फीस 1000 रुपीज।
ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक